नेता डिसूजा जो है वो हमारे साथ है। मैम, ये प्रदर्शन आखिर आपका कब तक रहेगा और किन मुद्दों पर रहेगा, बता दीजिए। ये प्रदर्शन अब हर जिले में, हर ब्लॉक में होगा और ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक गैस के दाम 2014 में जो थे 414 रुपया गैस के दाम दोबारा वो ना हो। संसद के अंदर भी हंगामा, संसद के बाहर भी हंगामा, आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? क्योंकि ये सच्चाई है कि ये जो तरीका है सरकार का, ना संसद में किसी को बोलने देता है ना बाहर किसी को बोल, वो वही दिखाते जो वो दिखाना चाहते हैं। ये सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, देश के लोगों को कर्ज में डुबो रहा है। ये जो सरकार है वो आम जनता के विरोध वाली सरकार। अभी 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 आप क्या करना चाहती हैं? अभी हम ये चाहते हैं कि जो प्रोब हो अदानी पे और अदानी के सारे एसेट फ्रीज हो। हम चाहते हैं कि बजट में जो महिलाओं के लिए जो गैस के दाम है वो 2014 में जो था दोबारा 414 रुपया ला के दिखा दे। निश्चित तौर पर नेता डिसूजा जो राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और प्रोटेस्ट जो है इन लोगों का देख सकते हैं कि जंतर मंतर पे चल रहा है, लेकिन ये लोग जंतर मंतर से बाहर संसद की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने इनको यहीं पे रोक रखा है। और जाहिर तौर पे पुलिस का सीधे तौर पे कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनको यहाँ पे रहना ज़रूरी है। और इस समय देख सकते हैं कि जो कांग्रेस है वो पूरी तरह से एग्रेसिव है और एग्रेशन होने के पीछे इनका तर्क है कि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, अडानी और ये तमाम मुद्दों को लेकर फिलहाल इनका प्रदर्शन जारी है। कैमरामैन जहांगीर के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, न्यूज 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।